नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके सिंह और आप जानते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई करियर चुनना होता है, कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित करना होता है और फिर उसको प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे जुनून और पूरे जज्बे के साथ प्रयास करना होता है, तब कहीं जाके सफलता मिलती है। लेकिन कुछ मामलों में ये भी देखा जाता है कि पूरी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, या फिर जितनी मेहनत की होती है, जितनी सफलता सोच के रखी होती है, उतनी सफलता नहीं मिलती। और इसका सबसे मुख्य कारण होता है अपने लिए गलत करियर का चुनाव कर लेना। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन वो बड़ी बातें बताऊंगा जिनको आप तीन कसौटियां, फिर थ्री नॉर्म्स कह सकते हैं, कि अपने लिए कोई करियर का चुनाव करते समय, कोई लक्ष्य निर्धारित करते समय अगर आपने इन बातों को ध्यान में रखा, इनके अनुसार आपने कोई करियर अपने लिए चुना, कोई लक्ष्य अपने लिए चुना, तो निश्चित तौर पर कम समय में, कम प्रयास में आपको बड़ी सफलता मिल जाएगी। तो चलिए इन लाइन्स के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट नॉर्म, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। देखिए, इस दुनिया में प्रकृति ने किसी को भी हूबहू एक जैसा, एग्जैक्टली सेम नहीं बनाया। सबके चेहरे अलग हैं, सबके इंटरेस्ट अलग हैं, सबकी आदतें अलग हैं, सबकी एबिलिटी, कैपेबिलिटीज़ अलग अलग हैं। तो फिर करियर चुनाव के मामले में, अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करने के मामले में, फिर हमें भेड़ चाल क्यों चलना, क्यों स्टीरियोटाइप बनना? इसलिए अपनी लाइफ के लिए कोई करियर चुनते समय, किसी लक्ष्य का निर्धारण करते समय, सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट को पहचानना चाहिए। जनरली ये देखा जाता है कि व्यक्ति का जहाँ पे डीप इंटरेस्ट होता है, वहाँ उसकी एबिलिटी भी होती है। लेकिन कुछ मामलों में ये भी हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट एक से अधिक फील्ड में हो। मान लीजिए आपको स्पोर्ट्स भी पसंद है, आपको म्यूजिक भी अच्छा लगता है और यहीं पे कहीं आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि आपका डीपर इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है या म्यूजिक में है, आपकी एबिलिटी कहाँ पर फिट बैठती है। क्योंकि स्पोर्ट्स में एक और जहां आपको फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, वहीं म्यूजिक में आपको सुर और ताल के ज्ञान की ज़रूरत है। अब आप ये देखिए कि आप बिना रुके, बिना थके, हैप्पी मूड में किस काम को लंबे समय तक कर सकते हैं। आप स्पोर्ट्स के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं या म्यूजिक के लिए रियाज कर सकते हैं, और जहाँ पर आपको ठीक लगे फिर आप उसी डायरेक्शन में जाइए। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको मेडिकल लाइन भी ठीक लगती है, आप इंजीनियर भी बनना चाहते हो, तो दोनों काम एक साथ तो हो नहीं सकते। इसलिए आप ये देखिए कि आप बिना रुके, बिना थके, बिना बोर हुए आप बायो को लंबे समय तक पढ़ सकते हैं कि मैथमेटिक्स को लंबे समय तक पढ़ सकते हैं, और जहाँ पर आपकी एबिलिटी फिट बैठ रही हो आप फिर उसी को चूज कीजिए। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। कुल मिलाकर मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि आप किसी भी ऐसे फील्ड में अपना करियर बनाने की कोशिश मत करना कि आप अपना लक्ष्य तो सेट कर लो लेकिन उसके बाद आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके फ्रेंड्स को ये कहना पड़े कि भाई पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, रियाज कर लो, ऐसे कैसे चलेगा। बल्कि एक ऐसे फील्ड में अपना करियर बनाने की कोशिश करना जहाँ पे आप सेल्फ इंस्पायर्ड हो, आप खुद से ही इतना पढ़ो, आप खुद से ही इतनी प्रैक्टिस करो, खुद से ही इतना रियाज करो कि दूसरे कहें कि बस बहुत हो गया, अब तो यार कुछ आराम कर ले। अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो गया ना, तो आप देखना कि सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। मैं मानता हूं कि आज के टाइम में कंपटीशन टफ है, लेकिन वो किसी एक के लिए टफ थोड़ी है। वो अगर महेश के लिए टफ है तो सुरेश के लिए भी टफ है, अगर वो गीता के लिए टफ है तो सुनीता के लिए भी टफ है, वो आपके लिए टफ है तो मेरे लिए भी टफ है, इससे क्या फर्क पड़ता है। और कंपटीशन टफ होने की शिकायत जनरली वो लोग ज़्यादा करते हैं जो कई सारी नौकाओं में सवारी करते हैं। कुछ दिन के लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ली, उसको छोड़ दिया, फिर स्पोर्ट्स में आ गए, इसको भी छोड़ दिया, फिर म्यूजिक में चले गए, थोड़ा थोड़ा डॉक्टर बन लिए, थोड़ा इंजीनियर बन लिए। तो ऐसे लोगों को सफलता नहीं मिलती, क्योंकि हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट की ज़रूरत है, एक्सपर्ट की डिमांड है। आप महेंद्र सिंह धोनी की बायोग्राफी से परिचित होंगे। क्रिकेट खेलते खेलते रेलवे में नौकरी कर ली, सब बड़े खुश थे, वाह नौकरी मिल गई, जॉब मिल गई महेंद्र सिंह धोनी को। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी इस जॉब से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उनका पैशन, उनका इंटरेस्ट, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एबिलिटी क्रिकेट में थी। उनके माइंड में हमेशा क्रिकेट चलता था, और जैसे तैसे कुछ दिन जॉब की और सबके मना करने के बावजूद भी अल्टीमेटली जॉब छोड़ दी और लग गए पूरी तरह से क्रिकेट में, और देखिए कितना बड़ा मुकाम हासिल किया। अगर आज कोई क्रिकेट के नाम को जानता है तो महेंद्र सिंह धोनी के नाम को जरूर जानता होगा।
इसलिए आप भी अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को, अपनी हॉबी को, अपनी एबिलिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानिए और किसी एक फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट नहीं सुपर एक्सपर्ट बना लेना। फिर किसी के बाप के अंदर दम नहीं होगा जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक सके। सेकंड नॉर्म, फिजिकल, मेंटल एंड इकोनॉमिक आस्पेक्ट। देखिए, अगर आपने सोच समझकर अपनी रुचि के हिसाब से कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया, कोई करियर ऑप्शन चुन लिया और आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपके पास उतना पैसा नहीं है, आपके पास उतने संसाधन नहीं है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। अगर आप फर्म डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था भी जैसे तैसे करके हो ही जाएगी। और जहाँ तक मेंटल एबिलिटी की बात है तो कॉन्टिन्यूस और फोकस्ड स्टडी करके आप अपने नॉलेज के लेवल को, अपने मेंटल लेवल को कितना भी आगे ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल एस्पेक्ट की। मान लीजिए आप 18 प्लस हैं और आप किसी ऐसे जॉब में जाना चाहते हैं जहाँ पे आप फिजिकली फिट नहीं बैठ रहे, लेकिन गैप बहुत थोड़ा सा है, मान लीजिए 1-2 सेंटीमीटर आपकी हाइट कम है, तो ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है, आप महीने 6 महीने एक्सरसाइज करके इतनी हाइट तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए बड़ा गैप है, 6 इंच आपकी हाइट कम है, तो ये तो नहीं हो सकता, इतनी हाइट तो नहीं बढ़ाई जा सकती। लेकिन फिर भी आपको घबराने की, हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने कुछ बड़ा, कुछ अच्छा करने का ठान ही लिया है तो फिर इसी डिपार्टमेंट में या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आपको इससे भी कई गुना बेहतर जॉब मिल जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे जॉब का लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे फिजिकल रिक्वायरमेंट के मुकाबले मेंटल रिक्वायरमेंट और इंटेलेक्चुअल रिक्वायरमेंट प्रायोरिटी पर आ जाती है। और अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, समाज सेवा में जाना चाहते हैं और ऐसे और भी बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट का कोई इशू ही नहीं है। थर्ड नॉर्म, लीगल, सोशल एंड मॉरल एस्पेक्ट। आज आप देश दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे युवा दूसरों के बहकावे में आकर, दूसरों के उकसावे में आकर या किसी के द्वारा मिसलीड किए जाने पर कुछ ऐसा प्राप्त करने की सोचने लगते हैं जो इलीगल होता है, गैरकानूनी होता है, जो एंटी सोशल, असामाजिक होता है या फिर इमोरल, अनैतिक होता है और गलत रास्तों पर चलने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलना तो दूर की बात, आगे जाके जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि अपने जीवन के लिए आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करें, जो भी करियर आप चुनें, वो कानूनी रूप से सही होना चाहिए, नैतिक रूप से सही होना चाहिए और सामाजिक रूप से सही होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि आपने अपने लाइफ के लिए मान लीजिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया, कानूनी रूप से वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप किसी ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं, किसी ऐसी सोसाइटी से आते हैं जहाँ पर अभी शिक्षा का लेवल उतना अच्छा नहीं है। और स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, आप डांसर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, मॉडल बनना चाहते हैं, फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपका ये आइडिया आपके फैमिली मेम्बर्स को पसंद ना आए। वो कहें कि नाचने गाने का भी कोई काम होता है, कुछ और करो, समाज के लोग क्या कहेंगे। अगर आपके साथ इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो आप उनको विश्वास में लो, उनको बताओ कि ये कोई गलत काम नहीं है, बल्कि इट इज़ एन आर्ट, ये तो एक कला है और यहाँ पे बहुत अच्छा करियर हो सकता है। और याद रखना कि इस तरह का टैलेंट प्रकृति सबको नहीं देती, इसलिए अपने फैमिली मेम्बर्स को विश्वास में लो और आगे बढ़ो। यही वो 3 बड़ी बातें हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ के लिए कोई करियर, कोई लक्ष्य इन 3 कसौटियों पर कसकर निर्धारित करते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।